दोस्तों कैसे हैं आप। मैं इकबाल आपका आईक्यू टेक्निकल में स्वागत करता हूं। जियो के कैशबैक वाउचर्स जो 50 रुपीज़ के होते हैं माई वाउचर सेक्शन से गायब हो गए। आई एम शॉक्ड। मुझे भी 4 मार्च को रिचार्ज करना था। मेरे पास जियो के कई वाउचर्स 50 रुपीज़ के माई वाउचर सेक्शन में पड़े थे। आज मैंने जियो ऐप देखी तो ये शो हुआ। क्या आपके भी वाउचर्स वैनिश्ड हो गए? कमेंट करके बताना। हो ही गए होंगे क्योंकि मैंने जियो कस्टमर एग्जीक्यूटिव से चैट की तो ये पता चला। जियो का कहना है कि फरवरी 29 को कैशबैक वाउचर्स एक्सपायर्ड हो गए। ऐसा माई वाउचर डिस्क्रिप्शन में पहले से लिखा हुआ था। अब कुछ नहीं हो सकता। भला बताओ डिस्क्रिप्शन में ये कौन देखता है, और अगर देख भी ले तो याद कौन रखता है। जियो का प्लान एक्सपायर होने वाला होता है तो 15 दिन पहले से दे एसएमएस पे एसएमएस और कॉल पे कॉल आते हैं कि आपके प्लान की वैलिडिटी खत्म होने वाली है, सेवाएं जारी रखने के लिए तुरंत रिचार्ज करें। क्या जियो के प्लान की वैलिडिटी प्लान डिस्क्रिप्शन में नहीं होती है? होती है, फिर भी कॉल पे कॉल और एसएमएस आते हैं ना, तो ये दोगली नीति क्यों? वाउचर के एक्सपायरी डेट का भी कॉल आ जाता है या एसएमएस आ जाता तो मैं और मेरे जैसे जिनका प्लान अभी एक्सपायर होने वाला है रिचार्ज कर लेते। जब मैंने ये सवाल जियो एग्जीक्यूटिव से किया तो जवाब क्या मिला जनाब का, देखो। मेरा यह सवाल उनको फीडबैक लगा और उनका कहना है कि यह लाभदायक होगा अगर वो जियो के कैशबैक वाउचर्स फिर से जारी करते हैं। तो भैया ये थी जियो की शातिर चालबाजी और दोगली नीति। अब क्या मेरा तो 50 रुपीज़ का लॉस हो गया? क्या आपके भी प्लान की वैलिडिटी इसी हफ्ते में ख़त्म होने वाली थी? तो बस आज के वीडियो में इतना ही। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, नए टॉपिक पर नई बात होगी। जब तक अपना और अपनों का केयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।